एसएससी कोचिंग तो ठीक है भाई, पर प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह कम है पहलवान। कोई बात नहीं जी, बाबू के लठा तो बच जाऊंगा, सारे भूंडी गाल दे जी गति सुनी जाती। ऐसा काम हो रहा है, कई जगह रुपया फंसा लिए जी नौकरी लगने चक्कर में। और वो क्या कहते हैं, फिजिकल फिजिकल पढ़ दे, बाकी तो सारी चीज मारो ऊपर छोड़ दे। और फिर फिजिकल भी पढ़ लिया जी, रेस मर मर गए ने। बाबा कैसी पिंडी थी जी, कती बिहारिया कैसी रह ली। और जो रुपये भरे थे बाबू ने वो रुपये उल्टे लिकड़ देनी, और फिर वो सारा छो मेरे ऊपर उतर रहा है। अग छोरी जो धर्मवीर का भी लाग गया, रामफड़ा का भी लाग गया, तो अड़े को खा जाइए कमीन के बीज। और बताऊं जी, वो धर्मवीर का रामफड़ा दोनों मेरे डब्बी हैं, जिस दिन दवा लाग गए ना उस दिन तक घना डंडा रहा है घर के, थम दे नहीं कती। वो भी लाग गया तू रह। देखे पहलवान तना ला तो लेंगे, पर ना स्कूली घंटी भी तन्ना बजानी पड़ेगी। थपरिया में भी और छुट्टियां में भी दोनों टाइम तन्ने घंटे बजानी पड़ेंगी, बड़ा मत मानिए देगी इस बात का। अरे एक आध बार तो ना रिक्शा में बालक भी तने घर ती छोड़ के आने पड़ेंगे भाई देख, क्योंकि मारे तो ड्राइवर की भी कमी है। ठीक से क्यों जी, सही कह रहा हूँ? बताऊं जी, बाबू के लटका लेंगे, पर चपड़ा सी नौकरी कौन करी जा जी। दो चार बड़का ने अपना घर आई ट्यूशन पढ़ा के काम चला लूंगा जी। आप नू करो अपनी नौकरी अपने दौरे रख लो, मन ही सी कौन है जी जरूरत। अच्छा जी रुको, एक बात होता है, धर्मवीर का ना रामफला का नटवा दिया तेरे डबिया ने, जब तो राजी हो जाएगा। रहू नटवा देंगे हमें दोनों ने, समझा नहीं जी मैं, रहू ना नौकरी पर डटवा दें, तेरे दोनों डिब्बे लग रहे हैं। सच्ची डटवा दोगे जी, उन डटवा दो जी, बस जी सा आ जाएगा कि